आपने लास्ट टाइम हमने एरे लिस्ट देखी थी, ठीक है, उसको दोबारा देख लेते हैं। एरे लिस्ट का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एबीसी इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, क्लियर। मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ, हमने बस कौन सी वाली यूज करनी है, इंटीजर, या तो यहाँ पे आपने लिसना करके लगाना है, या तो इंटीजर लिख दो या इसको खत्म करना है, सब भी हो। मैं वैल्यूज ऐड करा रहा था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे abc.add करके हम यहाँ पे सारे क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। लेकिन हम जो ये आपने काम देख लिया था, लेकिन आपको मैंने काम दिया थ्रू इनपुट आप लोगों ने करना है, ओके। अगर हम इनपुट के थ्रू बात करें, हम फॉर लूप यूज नहीं करेंगे, हमें व्हाइल या डू व्हाइल यूज करना पड़ेगा, ओके। इसके लिए मैं यूज करता हूँ डू व्हाइल, हम यूज करते हैं कि मैं चाह रहा हूँ एक दफा आपका एटलीस्ट वन टाइम आपका विदाउट कंडीशन आपका चल जाए, ओके। उसके लिए हम बेटर यूज करेंगे डू व्हाइल। जिसने सी में ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया होगा, जिसको आइडिया होगा कि एक कैलकुलेटर को बार बार चलाना, तो उसने डू व्हाइल में काम किया होगा, फंक्शन में रख के उसको दोबारा रिकॉल कर रहा होगा बार बार, ठीक है। इसने हमने कोई कोड आपने कहा डू यू वॉन्ट टू कॉन्टिन्यू यस या नो, उसने डू व्हाइल्स के थ्रू काम किया होगा। इसी तरह करके मैं भी डू व्हाइल के थ्रू काम कर रहा हूँ। अच्छा, व्हाइल के में जो कंडीशन रखेंगे हमने रखनी है ट्रू, तो ये हमारा लूप चलता रहा, डन। लेकिन मैं इस तरह नहीं करना चाहूंगा, मैं इसका कर देता हूँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ बुलियन का, बुलियन बी इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं क्या रख देता हूँ ट्रू, और ये वेरिएबल मैं यहाँ पास कर, क्लियर। मैंने ये वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। मैंने एक अरे लिस्ट बनाई है और एक बुलियन का वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे बुलियन का मैंने वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिया, ओके। अब मैंने यहाँ पे लेनी इनपुट, जिसमें मैं ऐड कराऊंगा, ओके। स्कैनर बना लेते हैं हम, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लाइब्रेरी एड एस की, ठीक है। और यहाँ पे हमने लेना है इनपुट, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब आप यहाँ पे इतना तो नहीं लिखोगे ना, ए बी सी इज इक्वल टू, इसके अंदर कैसे वैल्यू एड होती है, ए बी सी डॉट abc.add, add के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, वैल्यू ऐड करनी पड़ती है। वैल्यू ऐड आप इसने अगर 65 वगैरह करते रहे तो आपकी वैल्यूज क्या हो रही थी, यहाँ पे ऐड हो रही थी। लेकिन हमने यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट हम इसे लेते हैं स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंटीजर में हमने लेनी है इनपुट, डन। कोई मसला, क्लियर। इसके थ्रू वो यहाँ पे क्या लेगा, इनपुट लेते लगे। लेकिन अभी जो हमारा लूप यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगा है, वो ये लगा है कि आपका लूप अनस्टॉपेबल है, ये इनपुट लेता रहेगा और वैल्यूज क्या होती रहेंगी, स्टोर होती रहेंगी। अच्छा, इससे नीचे मैं थोड़ा एक वो कोड कर देता हूँ, उसके बाद में दोबारा ऊपर आता हूँ इनपुट की तरफ। अभी जो मैं कोड कर रहा हूँ, अभी मैं कोड कर रहा हूँ ये वाला शो करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट, इसको आपने इसके थ्रू करना है, फोर इच के थ्रू करना है, वाइल के थ्रू करना है, या इटरेटर के थ्रू, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हम जीरो, एंडिंग पॉइंट क्या होगा इसका, ए बी सी डॉट साइज और आई प्लस प्लस, ओके। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डॉट गेट, ये हमारा कोड किसका है, आउटपुट का, ठीक है। इससे पहले मैं मैसेज दे देता हूँ, ये पहले ये लाइन लगी है, फिर ये इस तरह करके आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे शो कर दो, कोई मसला, ओके। अब हम इधर दोबारा आते हैं, हमारा ये कोड चल रहा है, हमारा चल रहा है इनपुट के लिए, ओके। मैंने यहाँ पे स्कैनर बनाया फॉर इनपुट, मैंने बुलियन का वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिया ट्रू, जो मेरा ट्रू रहेगा और हमारा लूप बार बार चलता रहेगा, फॉल्स नहीं होगी, दफा एंटर होने के बाद लूप बार बार चलता रहेगा, वैल्यू हमारी बार बार यहाँ पे इनपुट लेता रहेगा। हमारा ये काम हो गया कि उसने यहाँ पे इनपुट लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मसला क्या है, वो मसला ये है कि इसको हम स्टॉप किस तरह करेंगे, क्योंकि आपकी जो अरे होती थी, वो अरे हमारी क्या होती थी, आपकी स्टैटिक होती थी कि फिक्स साइज होता था, 100, 200, 10 के एक स्पेसिफिक टाइम के बाद स्टॉप हो जाता था। लेकिन यहाँ पे इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे आपके लूप ने चलना है, इस वजह से मैं फॉर यूज नहीं करता था, इसकी वजह से मैं किस पे आया हूँ, व्हाइल या डू व्हाइल पे, डन। अब हमने ऐड तो करवा रहे हैं, लेकिन इसको स्टॉप करना है, आप स्टॉप किस तरह करेंगे वो आपको दिखा देता हूँ।
लेकिन इस ऐड करने से पहले ना मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ एंटर वैल्यूज, ठीक है, एक दफा चला के दिखा देता हूँ, अभी स्टॉप एबल नहीं है। एंटर वैल्यू, स्टॉप एबल नहीं है, डन। आपकी वैल्यू सारी सेव हो रही है एरे लिस्ट के अंदर, लेकिन स्टॉप नहीं हो रहा। अब इसको अब हमने स्टॉप किस तरह करेंगे, अब हम वो आ जाते हैं। मैं यहां पे एक वेरिएबल और बनाता हूं, स्ट्रिंग सी एच इज इक्वल टू नल। बाय डिफॉल्ट इसको मैं खाली रख देता हूं, बाय डिफॉल्ट इसको मैंने क्या कर दिया, नल। ये आपका बेसिकली फ्लैग है, फ्लैग कह दो चेक, हम इसके थ्रू चेक लगाएंगे, डन। मैंने एक वेरिएबल बनाया चेक के लिए, सबसे पहले तो हम एक इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के उसने पूछना है ना कि आपने एक मजीद वैल्यू एंटर करवानी नहीं करवानी। ये इनपुट यहाँ पे सेव हो गई, इसके बाद इसको मैं यहाँ पे मैसेज दूंगा डू यू वॉन्ट टू सेव अगेन, मैसेज आ गया, ओके। और ये मैसेज मैं किसके अंदर सेव करवाऊंगा, सी एच के अंदर, सी एच इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट स्ट्रिंग में है, हमने यहाँ पे क्या यूज किया, सी एच डॉट नेक्स्ट, क्लियर। आपकी वो सी एच के अंदर आपको यहाँ पे सेव हो गया। अब जो सी एच के अंदर जो आपका सेव हुआ है वो हमने इसके थ्रू लगाना है कॉन्सेप्ट, कि यूजर ने क्या कहा है कि करना है या नहीं करना, डन, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं किस तरह सिनेरियो हैंडल कर सकता हूँ, अब इस तरह तो यूजर कुछ भी लिख दे, ठीक है। मैं मैसेज में डील कर देता हूँ, इफ नहीं डू यू वांट टू सेव अगेन, इफ यस देन टाइप यस, ठीक है। अगर आपने दोबारा करनी है तो हम टापू क्या टाइप कर दें, उसको एक मैसेज दे दिया, ठीक है। अब इसका मतलब है हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि सी एच डबल इक्वल टू यस, सी एच डबल इक्वल टू यस, अगर यस के, ठीक है। जावा के अंदर इस तरह काम नहीं करते, ये आपने सी में देखा होगा, कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू लगा देते, जावा के अंदर इस तरह नहीं करते। जावा के अंदर हम लिखते हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग यहाँ पे क्लास है, जिस चीज का एस बड़ा, जिस चीज का पहला लेटर बड़ा उसमें लेना वो क्लास है। जिस तरह इंटीजर आपको मैंने कहा था क्लास है आपकी, फ्लोट आपकी जो बड़ा एफ है वो क्लास है, रैपर क्लास जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग भी आपकी क्लास है, स्ट्रिंग आपकी डेटा टाइप नहीं है, वो रैपर क्लास है आपकी, रैपर क्लास भी इज इक्वल टू डेटा टाइप होती है, डन। तो इसके कुछ बिल्ट इन फंक्शन होंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे सी एच डॉट इक्वल्स, ओके, डबल इक्वल टू नहीं लगाएंगे हम, ये फंक्शन यूज करेंगे डॉट इक्वल्स। इक्वल्स दो आ रहे हैं यहाँ पे, एक आ रहा है खाली इक्वल्स और एक आ रहा है इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स में अगर आप इक्वल यूज करोगे, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर यूजर ने एंटर किया यस, अगर सी एच के अंदर स्टोर हुआ हुआ है यस, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। लेकिन यहाँ पे ना केस वाला इशू आ जाएगा, केस का मतलब है अगर उसने वाई बड़ा कर दिया तो इक्वल नहीं करेगा ये, अगर उसने वाई छोटा रखा ई बड़ा कर दिया या सारे बड़े कर दिए तो आपका इशू आएगा। आपको पता है जावा आपकी केस सेंसिटिव है, इसमें स्मॉल ए और कैपिटल ए दो अलग अलग वेरिएबल होते हैं, डन। तो यूजर को तो इस चीज का आइडिया नहीं होगा ना, इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और इसके अंदर मैं दे दूंगा यस। अब वो यस को इस तरह करके लिखे, सॉरी ये तो ठीक होगा, इस तरह करके लिख दे सारे इक्वल हो गए, वरना सारे यहाँ पे क्या होते, डिफरेंट थे, उसने सिर्फ और सिर्फ ये एक्सेप्ट करना था, डन बात यहाँ तक। तो आपको हर किसी के लिए एक इफ लगाना पड़ता, वो जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सी में आप लोगों को करना पड़ता था कि स्मॉल ए के लिए भी इफ लगाते थे, कंडीशन लगाते थे, और कैपिटल ए के भी लगाते थे वोवल्स के लिए, कि स्मॉल और कैपिटल ए को पिक नहीं करता था, दोनों को लगता था बिहेव करता था। तो हमने यहाँ पे लिखा सी एच डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और यहाँ मैंने क्या दे दिया यस, डन। यहाँ तक ही मसला, ओके। अच्छा अब यहाँ पे मैं करूंगा, अगर आपका क्या आ रहा है यस की इक्वल है, यस का मतलब क्या होगा,
दोबारा इनपुट करना है, ठीक है। हम इसको यस के थ्रू नहीं, हम इसको नो के थ्रू कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ नो देन टाइप नो, और यहाँ पे किस क्या लिख दूंगा मैं नो। अगर नो है तो जो मेरे बी के अंदर वैल्यू ट्रू थी उसको क्या कर दे फॉल्स, मुझे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये लाइन चलाएगा, इसमें कुछ भी इस तरह का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कंडीशन कोई नहीं है। लूप के अंदर एंटर हुआ, आउटपुट देगा एंटर, इनपुट ले ली, एक वैल्यू स्टोर हो गई। उसके बाद आपको मैसेज देगा डू यू वांट टू सेव अगेन, इफ नो देन टाइप नो। यस के लिए कोई नहीं है, यस के लिए आप वाई लिख दो, ओ लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो यस समझेगा, ठीक है। आपने उसके लिए कंडीशन नहीं लगाई। अगर नो है तो आप क्या टाइप कर दो नो। अब अगर वो नो टाइप करता है जिसके अंदर इसके अंदर इनपुट ले रहा है, अगर उसने नो टाइप कर दी तो ये कंडीशन आपकी क्या हो रही है ट्रू हो रही है, ट्रू हो रही है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई ट्रू से फॉल्स में कन्वर्ट। और जब कंडीशन आके चेक करेगा व्हाइल स्टॉप, लेकिन अगर वो नो नहीं एंटर करता तो ये चलेगा नहीं, तो बी हमारा क्या रहेगा ट्रू रहेगा, हमारा लूप बार बार चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह के सवाल आपको गूगल पे नहीं मिलते, ये आपने अपना कॉन्सेप्ट लगाना होता है। ये आप देख लो, ये वही कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने सी में देखा होगा, एक प्रोग्राम को दोबारा चलाने के लिए आपने देखा होगा, जिसमें आपको कहा जिसने कोई स्नेक की गेम बनाई होगी, कैलकुलेटर कुछ भी बनाया होगा, कि आपको बार बार प्ले करके देखना पड़ता था। आप यूजर से पूछो कि उसने दोबारा प्रोग्राम चलाना है नहीं चलाना, तो उसके लिए फिर हम ये कॉन्सेप्ट लगाते थे जिसने इतना ही काम किए होंगे। एंटर वैल्यूज 54, डू यू वांट टू सेव अगेन, यस 87, यस 96, कुछ भी क्यों दबा दिया, क्योंकि आपने यस के लिए कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ नो पे स्टॉप होगा, आपने नो पे चेक लगाया हुआ। नो पे बूलियन क्या कर रहे हो फॉल्स कर रहे हो, यही वैल्यूज मैंने एंटर की है, क्लियर डन। इसको हम किसी तरह भी कर सकते हैं, इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। आप इसको इस तरह कर दो कि अगर आपने नो प्रेस करना है देन टाइप एट द रेट ऑफ, अगर आपने नहीं करना तो यहाँ पे क्या दे दोगे सिंपल दे दो, इस तरह मर्जी हैंडल करो, सिंबल के थ्रू आपने अगर आपने हैंडल करना आप हैंडल कर लो। अब एट द रेट ऑफ स्टॉप कर रहा है, डन क्लियर। अच्छा अब दूसरे की तरफ आते हैं, दूसरा हमारा क्या था कि एक आपने ऑब्जेक्ट सेव करवाया है, ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू नहीं आया, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को शो करवाते हो तो वो उसका एड्रेस दे रहा है अरे इसका, ठीक है। आपको क्या दे रहा है वो एड्रेस, आपने ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू है आपने वो शो कर देखनी है, ठीक है। दोबारा एक कोड उसका देख लेते हैं हम, ये चीज क्लियर हो गई आपको। अरे लिस्ट मेरी एक क्लास बनी हुई है यहाँ पे, this is equal to new array list, और हमने ये कर दिया।
ये हमारी क्लास थी, इसके अंदर मैं क्लास बना रहा हूँ, एक क्लास बना दी हमने, ठीक है। इस एक क्लास के अंदर मैं यहाँ पे वेरिएबल्स बना रहा हूँ, इसी क्लास के अंदर मैंने वेरिएबल क्या बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं बना रहा हूँ स्ट्रिंग नेम इंट एज, ठीक है। हमने ये बना दिया, कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ये दो मैंने बना दिया, क्लियर। ओके, ये काम हमने देखा भी था, ये हमारी क्लास किसकी है, ए की, डन। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एबीसी डॉट एड, आपको मैंने बोला था आपको एक या तो ऑब्जेक्ट बनाई कर लो, लेकिन वो आपको कोड ज्यादा, और हम क्या लिखते थे, न्यू ए, और ए के अंदर हम वैल्यू दे देंगे मान 24, क्लियर। इस तरह करके हम वैल्यूज ऐड कर देते हैं, वैल्यूज हमारी ऐड हो गई है। अब शो करने की बात आ रही है, मैं यहाँ पे अपडेट बना रहा हूँ इसका, और रेफर कर दिया एबीसी, डन। हमने ऊपर ही अगर यहाँ पे स्ट्रिंग यूज किया था, यहाँ पे अपडेट किसका बनाते थे, स्ट्रिंग का, हमने ए का बनाया था, हमने यहाँ पे किसका अपडेट बनाएंगे, ए का, और उसको रेफर कर दिया एबीसी के साथ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डॉट क्या लिखेंगे, सॉरी ए, आपका जो डॉट गेट आता है वो आपका फॉर लूप में आता है, फॉर ईच में नहीं आता, ठीक है। फॉर ईच में जब हम करते थे हम सिर्फ उसका नाम लिखते थे ए, जिस तरह आप लोगों ने अगर हमारी ये स्ट्रिंग होती थी, लेट्स सपोज अगर ये मेरी स्ट्रिंग है, अब इनसे ये एरर देगा, वेल यहाँ पे एरर देगा ये, ठीक है। अगर ये हमारी स्ट्रिंग होती थी तो हम यहाँ पे क्या लिखते रहे, स्ट्रिंग, यहाँ पे एरर खत्म हो गया, जो टाइप आपने ऊपर यूज किया जाए वही टाइप आप नीचे यूज करते थे, ठीक है। और यहाँ पे बस वो वेरिएबल यूज करते थे, यहाँ पे आपको गेट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये सारी सारी वैल्यूज आपको क्या करते थे, शो कर देता था, ठीक है। अभी भी देखो ये सारी वैल्यूज शो करेगा, फोर वैल्यूज, लेकिन इनकी क्या दे रहा है, एड्रेस दे रहा है, डन। मैंने इसकी वैल्यूज देखनी है, तो आपको पता है ये आपकी बेसिकली क्या है, क्लास है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो आपको लिखना पड़ता है, इनके एब्सोल्यूशन का इशू आता है, ए डॉट नेम, जस्ट ए के नाम दिखाएगा और कुछ भी नहीं है, ये नाम मैंने किए हैं और कुछ नहीं दिखा रहा, एक हमने एज भी देखना है, हम यहां पे क्या लिखेंगे, ए डॉट, दैट्स इट, ए डॉट एज, ठीक है। हमने इस तरह करके लिखा या इस तरह करके कर दो, ए डॉट एज, और इनके बीच में प्लस लगा दो, अब एक लाइन में दोनों आ रहे, डन, कोई मसला, ठीक है। लेकिन ना यार ये तरीका सही नहीं है, जो आपने यूज करना है वो तो यूज करना है, हमने बैटरी होता है, आप इसको बना दो, गेटर सेटर सुना है मेरा नाम, गेटर हम बना देते हैं, दोनों के मैंने बना दिए गेटर, ठीक है। गेटर ये करता है कि आपको इस तरह का वेरिएबल नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ये फंक्शन कॉल करोगे ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू पिक करेगी, डन। गेटर का काम ये होता है, तो मैंने अब यहाँ पे ये नहीं लिखना, मैंने यहाँ पे लिखना ए डॉट नेम भी लिख दो, एक ही बात है, या लिख दो गेट नेम, और यहाँ पे लिख दोगे गेट एज, इसके लिए हम यूज करते हैं, एक ही बात है, दोनों में एक बात है, आउटपुट सेम आ रही, लेकिन एज अ फंक्शन हमारा कॉन्सेप्ट सही होता है, या आपने उसमें भी एंड्रॉयड में भी देखोगे, आपको गेट सेटर बनाने पड़ेंगे, सेटर का मतलब हो गया वैल्यू स्टोर करना, तो आप सेटर के थ्रू कर रहे हो, इसलिए मैं सेटर मैंने यूज नहीं किया, ठीक है। सेटर के लिए आपको फिर पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, उसके बाद
फंक्शन कॉल होता, क्योंकि फंक्शन का आपका जब तभी कॉल होगा जब उसका इंस्टेंस होगा उस क्लास का, तो हम डायरेक्ट कर रहे थे विद अ कंस्ट्रक्टर, तो आप सेटर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। डन, कोई मसला यहाँ तक? ओके, आई थिंक एक फंक्शन और होता है कि अगर आपने चेक करना हो, इसमें मैं नहीं करना चाह रहा, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए। इनको मैं अभी कन्वर्ट कर देता हूँ स्विच, इसको मैं स्ट्रिंग में कर देता हूँ। सिग में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे चेक लगाना है कि अगर एबीसी के अंदर अली है तो यहाँ पे लिख दे, क्यों जा रहा हूँ, फाउंड अली, पूरी अली लिस्ट में से चेक करेगा, ठीक है। मैं अगर यहां पे लिख देता हूं फाउंड, पूरी अली लिस्ट में से फाइंड कर रहा है कि हमारा इसके अंदर वैल्यू, वरना आपको क्या करना पड़ता था, आपको एक इंडेक्स लगाना पड़ता था, एक लूप लगाना पड़ता था, जिसमें आप क्या करते थे कि एक जीरो से स्टार्ट करते थे, अरे की बात कर रहा हूँ, और क्या करते थे एंड तक चलाते थे, और वहाँ पे चेक लगाते थे कि इफ दिस वेरिएबल डबल इक्वल टू दिस, तो आपको फाइंड होता था। इसमें बिल्ट इन फंक्शन है डॉट कॉन्टेंट्स का, कि आपको ऑटोमेटिकली रिलीज में से फाइंड करेगा क्या ये वर्ड है या नहीं। इसमें आपको चेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि पूरी आपको अरे में से ढूंढना पड़ेगा वैल्यू, ये आप लोगों ने देखी होगी कि आप लोग कहता था कि यार इस अरे में फाइंड करो ये वर्ड आपने एंटर किया या नहीं किया। इसमें आपका बिल्ट इन फंक्शन है डॉट कॉन्टेंट्स। डन, क्लियर?